सीएससी का न्यू आईडी कैसे मिलेगा या किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये सब बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको इस नए वेबसाइट पे आना पड़ेगा जो कि सीएससी के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे बीकॉम में इंटरप्रेटर या गेट स्टार्टेड पे आके सीएससी के वेबसाइट पे यहाँ पे क्या क्या लगेगा वो देख सकते हैं, जिसमें जैसे कि यहाँ पे लग रहा है आधार और पैन दोनों लगेगा। उसके बाद वोटर लिस्ट या इलेक्ट्रल वोटर आइडेंटिटी कार्ड दोनों साइड का लगेगा। उसके बाद पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों साइड, फ़ोटो जो एप्लीकेंट है उसका फ़ोटो, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लगा सकते हैं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट टीसी सर्टिफिकेट और बैंक बीसी सर्टिफिकेट, ये दोनों मैंडेटरी है, टीसी और बैंक बीसी सर्टिफिकेट। तो यहाँ ये कहाँ से बनेगा, इस कॉपी इस लिंक को कॉपी करके आपको दिखाते हैं कि टीसी सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा। चलिए और वो भी बताएंगे कि कहाँ से आप बैंक बीसी का आईडी ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले अगर सीएससी से आप लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सीएससी कनेक्ट कर सकते हैं या खुद से रजिस्टर करके आप टीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए खुद से रजिस्टर करने का प्रोसेस ये है, आप देख लीजिए यहाँ पे ये सारे चीज़ फिल करके आप खुद से रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए और आपको दिखाते हैं कि हम बैंक बीसी जो है वो आईबीएफ का जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि अगर कोई सीएससी वाला अगर इसमें रजिस्ट्रेशन कर दे तो आसानी से आप कर सकते हैं, अन्यथा कुछ टाइम लगेगा। जैसे कि हम यहाँ पे खोले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा कि कहाँ से रजिस्टर करना है। अगर आप सीएससी से करते हैं तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा और आसानी से कर भी सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों सर्टिफिकेट को लेने के बाद आप सीएससी के आईडी ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आप का आईडी बन के तैयार हो जाता है और यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप स्टेटस को देख सकते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए यहाँ पे देखिए सीएससी एप्लीकेशन में जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पहले ही टीसी और बैंकिंग का सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है। तो सबसे पहले ये दोनों काम कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ताकि आपको इसका रजिस्ट्रेशन मिल सके, आईडी मिल सके और आप आसानी से उसको चला सके। आसानी से चलाने के बाद आपको यहाँ पे बैंक बीसी भी बनाया जाता है और आधार का भी वर्क यूसीएल के माध्यम से दिया जाता है। इस लिंक पे आने के बाद यहाँ से आप स्टेटस का पता कर सकते हैं कि आपका आईडी तैयार हुआ है कि नहीं। थैंक यू दोस्तों।